अब हमने इसको ड्राई होने देना है, वॉश करना है, उसके बाद अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको हर कोई लगा सकता है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है भाई। आप इतना कमेंट करते हैं कि सारे वीडियोस महिलाओं के लिए ही क्यों होते, पुरुषों के लिए क्यों नहीं बनाते, लड़कों के लिए क्यों नहीं बनाते, सब कोई लगाओ इसको। एक कटोरी में बनाओ, पूरी फैमिली लगाओ, 15 साल से ऊपर है कोई बच्चा वो भी इसको लगा सकता है, लेकिन उस केस में आपने विनेगर और लेमन जूस नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको बाद में वॉश करेंगे। आप जितना ज़्यादा समय तक इसको लगा के रखेंगे आपको फ़ायदे उतने ही अच्छे होंगे। चेहरा जब डल हो जाता है ना, तो हमें बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगती है। जब भी हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश हम अपने लिए अच्छे से टाइम निकाल पाते और अपनी अच्छे से टेक केयर कर पाते। दोस्तों आजकल ना, पहले ऐसा होता था कि महिलाएं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी तो उनको समय नहीं लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम मॉडर्न हो गए हैं, हेल्प मिलने लग गई है हमें और टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि बहुत सारी चीज़ों में हमारी लाइफ आसान हो गई है। उसका फायदा तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ आपको कि किस चीज़ का जो नुकसान है, मतलब मॉडर्न होने के बाद जो हमें नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है, वो लाइफस्टाइल बेहतर नहीं रहा है हमारा, और साथ ही साथ उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। स्किन की हम बात कर रहे हैं तो त्वचा पे लाइफस्टाइल जो होता है ना, वो सीधा सीधा असर करता है। समय पे सोना, समय पे उठना, हेल्दी खाना खाना, खाना खाने की विंडो डिसाइड करना कि कौन से टाइम स्लॉट में आपने क्या खाना है। पहले कैसे था कि हम सुबह जल्दी उठते थे पुराने ज़माने में और रात को जल्दी सोते थे, आजकल उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, ऐसा होता ही नहीं है। रात के 2-3 बजे से पहले युवा वर्ग जो है वो तो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता कि रात दिन क्या होता है। मतलब आप अपना टाइम के हिसाब से काम कर रहे हो, कुछ लोगों की शिफ्ट का काम होता है या जो भी है, नहीं बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। पर कहने का मतलब ये है कि पुराने ज़माने से अगर हम कंपेयर करें तो हम अनहेल्दी भी हो गए हैं और हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत ही ख़राब हो गया है, लोगों से मिलना कम हो गया है। वैसे सोशल मीडिया पे हमारे बड़े सारे दोस्त मित्र होते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो गिने चुने लोग रह गए हैं। रिश्तेदारी निभाने की जहाँ बात आती है, वहाँ भी सोशल मीडिया नंबर एक पे है। फोटो पे हम कमेंट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, देख लेते हैं दूसरे की क्या चल रहा है लाइफ में, ये भी हम झाक झाक के स्क्रॉल कर करके देखते हैं, लेकिन सही मायनों में हम पूछते नहीं हैं फ़ोन करके, और पूछना भी है तो सिर्फ मसाला लेते हैं। तो ये बड़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सी चलती है ऐसी चीज़ों को लेके। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं, नेचर जो है, उसके जितना आप करीब जाएंगे अपने आप को उतना ही पॉजिटिव, उतना फ्रेश और उतना मोटिवेटेड आप रख सकते हैं। ये मेरी सोच है, बाकी सब लोगों का सोचना अलग हो सकता है। तो आज का जो वीडियो है ना, वो स्किन के लिए है। जैसा कि मैंने एक पोल स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे कि आपको किस रिलेटेड वीडियो देखने हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि यूट्यूब पे एक दिन शॉर्ट्स मैं अपलोड करूँगी और वही रील मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करती हूँ। अगर आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का आइडिया नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी और ये भी आप देख सकते हैं कि इस नाम से मेरा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम का आईडी भी मेरा ये है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि अभी ये जो सीरीज़ हमने समर सीरीज़ स्टार्ट की है, तो इसमें हम रोज़ एक पोस्ट करेंगे, एक वीडियो होगा, एक रील होगी, या इस तरह से एवरी डे यू विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग समर। समर में स्किन केयर, हेल्थ केयर और हेयर केयर हम करने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद मैं ये वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगी। अभी हम क्विक से देख लेते हैं कि आज की होम रेमेडी है क्या। अगर आप चाहते हैं कि 7 डेज चैलेंज और 15 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज ऐसा कुछ स्टार्ट किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।
और साथ ही साथ माफ कीजिए, थोड़े दिन एब्सेंट रहे, ये चोट लग गई थी यहाँ, तो तोड़फोड़ मचा दी हमने, यहाँ भी चोट लग गई थी, बट एनीवे अभी सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन एंड वी आर ऑन द ट्रैक नाउ, सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुदरत केयर में और मैं हूं मोनिका। आज आप देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी होम रेमेडी जो आप स्किन केयर में रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको ये बताया है कि आपको स्किन केयर के लिए किन जो बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं उस पर हमने बहुत सारी चर्चा कर ली। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारी होम रेमेडी, लगाने का तरीका, बनाने का तरीका और इससे जुड़े हुए और तथ्य। गर्मियों के दिनों के फेस पैक की अगर बात की जाए तो आपके लिए ये ऑरेंज पील पाउडर जो है, मैं एक्चुअली ब्रांड चेक कर रही थी कौन सा है, बट आपके पास जो उपलब्ध है आप वही लें। ऑरेंज पील पाउडर जो होता है, अगर दरदरा पिसा हुआ है तो वो स्क्रब का काम करेगा, अगर वो महीन पिसा हुआ है तो आपके चेहरे पे एज अ फेस पैक वो काम करेगा। अच्छा, फेस पैक आप उतना ही बनाइए जितना आपने लगाना है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, आप वैसे तो उसको लगा सकते हैं 3 दिन तक लगातार, खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप उसको जितना लगाना है उतना ही बनाएं। तो आधा चम्मच टीस्पून जो है, हाफ मैंने ऑरेंज पील पाउडर लिया और हाफ स्पून मैंने ये वाला चंदन पाउडर लिया है, तो चंदन पाउडर मैं ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी उपलब्ध है वही लीजिए। एक्चुअली अब ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है जब मैं कोई प्रोडक्ट दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलने लग गए हैं कि मैं किसी किसी प्रोडक्ट को ऐसे ही दिखा रही हूँ टाइप से, बट एनीवे आपकी चॉइस है। आधा चम्मच मैं यहाँ ओट्स जो होते हैं उसका पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल आटा जो होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, मैं यहाँ मिलाने लगी हूँ बादाम का तेल। अगर आप बादाम का तेल नहीं मिलाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत मिलाइए तेल। वैसे तो हर टाइप की त्वचा के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, तो ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है, ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अच्छा, अब ना इसको पतला करने के लिए मेरे पास है दो ऑप्शन, ये क्यूकुम्बर टोनर है और ये है रोज वाटर। तो आपके पास अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है तब आप कच्चे दूध में या आप दही में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसको रोज वाटर में मिक्स कर लेना है इस तरह से, जितने रोज वाटर की आवश्यकता है उतना हम लेंगे। आप चाहें तो आप इसको एलोवेरा जेल में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन रोज वाटर या पानी में अगर आप मिक्स करते हैं इन चीजों को तो ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से चिपकती है, तो उससे टैन रिमूव होता है और फ्रेश लगती है आपकी त्वचा, ग्लो अच्छा आएगा आपकी त्वचा पे। तो ये जी, ये देखो जी, ये पैक बन गया है रेडी। चेहरे पे मैंने सिवाय लिपस्टिक के कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे ये होम रेमेडी ट्राई करनी थी। बहुत दिन से मैंने स्किन केयर नहीं किया था, अभी शादी में गए थे हम लोग, उससे पहले मैंने फेशियल करना था। आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं कि फेशियल जो मार्केट में उपलब्ध है उसके बारे में भी हमको बताओ, तो वो भी मैंने किट्स ला के रखी हैं, लेकिन मेरा नेचुरल चीज़ों पे इतना रुझान रहता है कि मुझे वो याद ही नहीं आता है कि वो भी मैंने ला के रखा है, क्योंकि मैं यही चीज़ें लगाना पसंद करती हूँ और मुझे फ़ायदा भी होता है। यहाँ हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ मुझे चोट लगी है और डॉक्टर ने उसको पानी लगाने से ही मना किया है, तो ये हमने लगा लिया है। इसको हमने कर लेना है अच्छे से अच्छे से सेटल होने देना है, ड्राई होने देना है, उसके बाद नॉर्मल पानी से आपने चेहरा वॉश करना है। इसको आप रेगुलर तौर पे भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको इंस्टेंट ही ग्लो चाहिए तब आप इसमें 2 से 4 बूंदें ड्रॉप या तो नींबू के रस की डालो या सिरका जो होता है आप उसका इस्तेमाल करें। देखिए, थोड़ा सा मिलाया तो लगाया था मैंने और ये हो गया है। अब हमने इसको ड्राई होने देना है, वॉश करना है, उसके बाद अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। इसको हर कोई लगा सकता है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है भाई।
आप इतना कमेंट करते हैं कि सारे वीडियोस महिलाओं के लिए ही क्यों होते, पुरुषों के लिए क्यों नहीं बनाते, लड़कों के लिए क्यों नहीं बनाते, सब कोई लगाओ इसको, एक कटोरी में बनाओ, पूरी फैमिली लगाओ, 15 साल से ऊपर है कोई बच्चा वो भी इसको लगा सकता है, लेकिन उस केस में आपने विनेगर और लेमन जूस नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको बाद में वॉश करेंगे। आप जितना ज़्यादा समय तक इसको लगा के रखेंगे आपको फ़ायदे उतने ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट तभी मिलेंगे अगर रेगुलर तौर पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे अच्छा लगता है आपके प्रश्नों का उत्तर देके। अगर किसी और विषय पे आपने वीडियो देखना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे वो भी अच्छा लगता है कि मैं वीडियो ही बना रही हूँ। अपनी मर्जी से वीडियो बनाने से अच्छा है कि आपके पसंदीदा टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। रही बात कमेंट्स की, तो मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ मोस्टली, लेकिन क्वेश्चन आपका वैलिड होना चाहिए। यहाँ वहाँ की बातों में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं अच्छे मूड में होती हूँ उस दिन मैं भी जवाब दे ही देती हूँ। तो कमेंट सेक्शन भी देखा कीजिए, उसमें भी बड़े मजे मजे के कमेंट आते हैं और मजे मजे के मेरे रिप्लाई भी होते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए और मेरा फेसबुक भी जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए जी, बहुत सारा अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।